गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड की जनरल ड्यूटी एंड डोमेस्टिक ब्रांच की एग्जामिनेशन पेपर शिफ्ट 1 और 2 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने शिफ्ट 1 डिस्कस किए हैं, फिर भी हम लोग कुछ सवाल एक्स्ट्रा ऐड किया गया है और सुबह का भी शिफ्ट के जितने भी सवाल थे सब डिस्कस किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टडी ऑफ एंशेंट थिंग्स को हम लोग आर्कियोलॉजी के नाम पे जाना जाता है। जैसे कि आर डी बनर्जी आप जानते हैं, 1922 में मोहनजोदारो का जो भी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स है उन्होंने खोज किया था। और करेंसी ऑफ बांग्लादेश ढाका इज़ द कैपिटल एंड ढाका इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। और ऑकवर्ड का एंटोनिम, जो कि ऑकवर्ड एंटोनिम कन्वीनियंट होता है, यो इसका जो सिनोनिम्स अगर देखा जाए इनकन्वीनियंस। मेडन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी, जो भी विस्कस लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा विस्कोसिटी हम लोग देख सकते हैं हनी में, और उसका जो विस्कोसिटी का जो डायमेंशंस है ML-1, T-1। और मैक्सिमम सैटेलाइट्स जुपिटर को देख सकते हो, और ऑप्शन में अगर सैटर्न दिया गया है, अगर जुपिटर नहीं है तो सैटर्न दे दीजिए। एंटोनिम ऑफ अल्यूर का होता है अट्रैक्शन, उसका जो एंटोनिम है रिपल्शन होता है दोस्तों। द वेक्टर ऑफ मलेरिया आप किससे होता है, इस प्लास्मोडियम मच्छर की वजह से आपको फैलता है। जो लाइफ साइकिल होता है इस मलेरिया प्लास्मोडियम लाइफ साइकिल किसने खोज किया, जिनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड भी दिया गया है, उस साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों रोनाल्ड रॉज। द पॉलिश्ड राइस, जब भी तुम राइस को पॉलिश करते हो उसके अंदर क्या कमी हो जाता है, विटामिन बी की कमी हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को बेरी बेरी डिसीज हो जाता है। सबसे ज़्यादा ईस्ट एशियन नेशंस में आप इस तरह का प्रॉब्लम देख सकते हो। मैथमेटिक्स के सवाल देखिए, एक आर्टिकल को 20% लॉस में बेचा गया, और अगर 20% मुनाफा में अगर बेचेंगे उसको 270 रुपये का फ़ायदा हो जाता, तो फाइंड आउट द आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस। ट्रेन का लेंथ 400 मीटर है, एक पुल को क्रॉस कर रही है, ब्रिज को 160 मीटर का ब्रिज है, अगर वो 16 सेकंड के अंदर क्रॉस करेगी तो उसका स्पीड किलोमीटर पर सेकंड्स में बताइएगा, किलोमीटर पर आवर होता है सेकंड नहीं। अगला देखिए, रॉकेट्स यूज टू लॉन्च मंगलयान, जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन होता है मंगलयान मिशन, ये रॉकेट जो इस्तेमाल किया इन्होंने 5 नवंबर 2013 को इन्होंने लॉन्च किया था, उस रॉकेट का नाम पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल XL-C-25। देखिए करंट अफेयर्स ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि इतना सारा करंट अफेयर्स है जो कि आप कभी आगे नहीं जा पाओगे। जितना ज़्यादा आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दो, जिससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है 2020 वाज रिसीव्ड बाय द रोहित शर्मा को दिया गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नरेंद्र ध्रुव भत्रा आज के टाइम पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट दोस्तों। अगला देखा जाए, आर्टिकल 44 क्या स्टेट करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, जो कि इसका आर्टिकल 44 का मेन उद्देश्य है दोस्तों। वोमेंस कैप्सूल आप कहाँ पे देखने को मिलता है, किडनी के अंदर वोमेंस कैप्सूल देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन होता है, और जो भी ब्लड फिल्टर होता है किडनी के अंदर ही आप देख सकते हो। किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो एक्सैलिक एसिड की वजह से स्टोन्स फॉर्म होता है। नरेंद्र सिन्हा तोमर एक पॉलिटिशियन है और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे देख रूरल डेवलपमेंट का नरेंद्र सिंह तोमर जो है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब देखिएगा अगला, मिस फेमिना इंडिया 2019, ये जो टाइटल है
जीतने वाली लड़की जो है, देखिए 2019 का भी आपसे पूछा गया है, सुमन राव। द बुक एवरी चाइल्ड मैटर्स कंपोज करने वाले कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन, जिनको नोबेल प्राइज, पीस प्राइज मलाला यूसुफजई के साथ इनको दिया गया है, इन्होंने एवरी चाइल्ड मैटर्स का किताब का कंपोज किया है। द फोर्ट बिल्ट बाय ब्रिटिश, फोर्ट सेंट जॉर्ज, 1644 में ये फोर्ट जो है ब्रिटिशर्स, जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज ने 1644 में कोस्टल सिटी ऑफ मद्रास वहाँ पे बनाया गया, सबसे पहला फोर्ट कह सकते हो। द एलिमेंट यूज्ड एटॉमिक रिएक्टर के अंदर जो एलिमेंट यूज़ करते हैं वो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगला देखिए, द मैक्सिमम कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया गुजरात में आप देख सकते हो, और सेकंड जो है आंध्र प्रदेश 974 किलोमीटर्स, गुजरात 1214.7 किलोमीटर्स। अगर पूछा जाए सबसे कम, गुजरात सेकंड में, फर्स्ट में अगर आता है तो लास्ट में आप गोवा देख सकते हैं 36 किलोमीटर्स। फोर्स जो फॉर्मुलेशन हुआ है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, पहला लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट करता है, दूसरा लॉ जो कि फोर्स को फॉर्मुलेट करता है, तीसरा लॉ एक्शन एंड रिएक्शन का देख सकते हो। अगर एक आर्टिकल को 700 रुपये में बेचते हैं उसको 30% का नुकसान होता है, अगर उसी आर्टिकल को 30% प्रॉफिट में बेचना है तो कितने में सेलिंग प्राइस फिक्स करना होगा, ये आपका सवाल है। अगला देखिए, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंस का डायप्टर होता है दोस्तों। पूना पैक्ट जो कि साइन हुआ था BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, यरवाड़ा जेल जो कि महाराष्ट्र में है, 24 सितंबर 1932 को ये साइन हुआ था इस जेल के अंदर, बिटवीन द भीमराव अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल में इंडिकेट करते हैं, ये आर्टिकल 17 के अंदर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आप देख सकते हैं। मोहिनीअट्टम, कथकली, ये जो डांसेस है ये आप केरल के प्रोमिनेंट डांसेस कह सकते हैं। द डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो कि विबजीआर आप जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज, रेड, सबसे ज़्यादा डिविएशन आप वायलेट में देख सकते हो। और यहाँ पे हु डिस्कवर्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एंड प्रिज्म एंड वॉज डिस्कवर्ड बाई द आइजैक न्यूटन, ने इस डिस्पर्शन का खोज किया इसने। 2011 इंडेक्स के तहत मैक्सिमम पॉपुलेशन जिसको हम डेमोग्राफिक काउंटिंग भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो। अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंस वाइज सिटी अगर बोला जाए तो आपको महाराष्ट्र के अंदर मुंबई कह सकते हैं। एज़ फॉर द आई रीच नथिंग बट कुड बी सीन एक्सेप्ट द रुइन कॉलम्स ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग्स, ये इंग्लिश का एक एज़ फॉर दी की जगह एज़ फॉर एज द आई रीच, तो यहाँ पर एज़ फॉर एज द आई रीच की होना चाहिए, यहाँ पर एज़ फॉर एज आई रीच होनी चाहिए, तो जहाँ तक अपनी आँखें जाएगा तहाँ तक तो आप लोग ये जो भी बिल्डिंग का कॉलम्स आप काफ़ी ओल्ड दिखता है करके कह रहा है, एज़ फॉर एज आई रीच। अगला, इंदिरा वन जो कि मिथन योजना किसने स्टार्ट किया है, कहाँ पे, राजस्थान में सबसे पहला इंदिरा वन मिथन योजना का शुरुआत किया था। नेम द ऑडिटर ऑफ सॉरी ऑथर ऑफ सिटीजन एंड सोसाइटी किताब का जो ऑथर है, हमीद अंसारी ने इस किताब का कंपोज किया है दोस्तों। एयरक्राफ्ट के अंदर ब्लैक बॉक्स आपको देखने को मिलता है, ये कौन सा कलर में देखने को मिलता है, जो कि ऑरेंज कलर आप देख सकते हो। फर्स्ट एडिशन ऑफ IFFI वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई, सबसे पहला एडिशन जो है IFFI का जो कि ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई में देख सकते हो। ब्रह्म समाज वो फॉर्म्ड इन 1828, इस ब्रह्म समाज को फॉर्म किया गया है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन पुणे बाई किसने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का गोपाल कृष्ण गोखले ने फॉर्म किया था महाराष्ट्र में, 12 जून 1905 में इसको स्टार्ट किया गया था दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, जिन्होंने विनायक चौथी फेस्टिवल को भी स्टार्ट किया था, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर राखी फेस्टिवल को स्टार्टअप किया था वेस्ट बंगाल में। एडिबल पोर्शन ऑफ पोटैटो जो कि
पोटैटो इज़ ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है दोस्तों, और जो कि एडिबल पोर्शन है वो राइजोम होते हैं जो कि ट्यूबर कह सकते हो। क्रेस्कोग्राफ खोज करने वाला जगदीश चंद्र बोस है दोस्तों। मैथमेटिक्स का सवाल देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द 20 सेलिंग प्राइस, उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बताइएगा। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया गया है 8 और 48 है, दो नंबर में से एक नंबर दिया है 24। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा दूसरा नंबर 16। अगला देखिए, हु इज़ नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को हम लोग आज के टाइम पे लाइट ऑफ एशिया के नाम पे जाना जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 8 स्टेट के थ्रू पास होता है, गुजरात, लेफ्ट से देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 स्टेट से ये गुजरता है दोस्तों। और यहाँ पे एक स्टेट मिसिंग है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, एक और 8वां स्टेट क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भांगड़ा जो है, मेन डांस ऑफ भांगड़ा गिड्डा पंजाब में काफ़ी फेमस है, मशहूर है। और बैसाखी फेस्टिवल 13 अप्रैल को मनाया जाता है वहाँ पर। वायसराय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग 1919 के टाइम पर 13 अप्रैल जनरल डायर की वजह से वहाँ पर हादसा हुआ है, और उस टाइम पे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वाज़ द वाइसराय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग। सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फोर्स एक विक्टर है दोस्तों, और ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। नेशनल हाईवे का जो लेंथ है 456 किलोमीटर्स है, दिल्ली टू अटारी पंजाब में है ये, वहाँ तक आप देख सकते हो। कैंडेला जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इकाई है दोस्तों। एक बैरल जो बराबर होता है 159 लीटर्स का इक्वलेंट होता है। यूथ एंगेजमेंट ऑफ ग्लोबल एक्शन 12 अगस्त को यूथ एंगेजमेंट ऑफ ग्लोबल एक्शन सेलिब्रेट किए जाते हैं। जमा मस्जिद आप जानते हैं, इट इज़ बिल्ट बाय द शाहजहां, जो कि ताजमहल को भी शाहजहां ने बनाया। धरणी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है तेलंगाना में, सबसे पहले धरणी पोर्टल को, ताकि जो भी लैंड के कंसर्निंग आराम से अकाउंटेबिलिटी हो सके। मैकमोहन जो लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में आप देख सकते हो, द डिमार्केशन जो है मैकमोहन खुद ही इस टाइम पे किया गया था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब बात आता है डीपीएसडी नहीं, डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है डीपीएसपी। ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। हिज सक्सेस इन द एग्ज़ाम, ब्रेक थ्रू इन हिज करियर, उस एग्ज़ाम में उसका सक्सेस की वजह से उसका ब्रेक थ्रू हुआ है करके कहने का मतलब। अगला देखिए, नाइलॉन वॉज द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है दोस्तों। नाइलॉन वॉज द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और किताब ए सूटेबल बॉय लिखने वाला जो राइटर है विक्रम सेठ है दोस्तों। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है? रॉट आयरन जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। प्राइम मेरिडियन आप जानते हैं, इट्स ए जियोग्राफिकल रेफरेंस लाइन दैट पासेस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन, वहाँ पे जो लाइन पास होगी वो प्राइम मेरिडियन है दोस्तों। ग्रीनविच मीन टाइम जो जीएमटी लाइन है वो लंदन के थ्रू पास होता है। द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन, जो एसिड रेन फॉर्म होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ही एसिड रेन आप देख सकते हो, जिसकी वजह से मार्बल्स जो भी है वो काला हो, मतलब अलग कलर हो जाते हैं। आलोक वर्मा हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन आलोक वर्मा को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड पुलिस डे कब मनाए जाते हैं? 24 अक्टूबर, जिस दिन UNO का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है उस दिन वर्ल्ड पुलिस डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नहीं, PM आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिसको हम लोग स्वनिधि स्कीम भी कहते हैं, ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट होने वाले किस स्टेट के अंदर? उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो दोस्तों। गवर्नर इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉमिनेट करता है गवर्नर को, कैग को
और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल साथ साथ अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नॉमिनेट करता है। यूएनओ जो कि एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश किया गया है। जॉन्डिस जो कि जब हो जाता है, कौन सा पार्ट अफेक्ट हो जाता है? लिवर। हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ल्यूमेन जो है, ये यहाँ पे छोटी गलती है, ल्यूमेन एक इकाई है किसका? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर है दोस्तों। लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर या दही के अंदर आप देख सकते हो, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरियम की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है दूध से दही तक। वार मेमोरियल जो कि इंडिया गेट कहाँ पर उपस्थित है, ये न्यू दिल्ली में देख सकते हो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर फाउंड फॉर द सैटर्न, जो कि ऑप्शन में सैटर्न था और जुपिटर नहीं था, नॉर्मली जुपिटर में आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा। और रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल टेकन फ्रॉम, ये फ्रांस से लिया गया है पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे इसराइल लिखा है, आयरलैंड है दोस्तों यहाँ का आंसर। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द सबमरीन डिटेक्शन पर्पस। मैथमेटिक्स का देखा जाए, एवरेज ऑफ थ्री बॉयज़ का 16 साल है, उनका जो रेशियो है 4:5:7, जोड़ने से 16 हो जाएगा। यंगेस्ट वन जो है 4 साल का है दोस्तों, क्योंकि 16 का बराबर 16 साल है, इसलिए यहाँ पे 16 एवरेज दिया गया ना, 16 × 3 = 48 हो जाता है, तो यहाँ पे यंगेस्ट है 4 × 3 = 12 ईयर्स का हो जाएगा। कश्मीर को लिखा है 814-2753, रिमशक को लिखा है, इस हिसाब से आपको आंसर बताना है। ब्यूटीफुल को लिखा है CDOGHJKMN, जिस हिसाब से दिया गया उस हिसाब से आप लोग लीफ का भी बताइएगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज असिस्टेड बाय द एंजाइम, जो कि पेट के अंदर स्टमक एसिड होता है, जिसके अंदर पेप्सिन और रिन आप देख सकते हो। आउटर लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस कहते हैं। पंचायत राज का जो ड्यूरेशन है 5 साल के लिए होता है, और एज पर द 73rd Amendment Act 1992 के तहत सबसे पहला जो कि बलवंत राय मेहता, फादर ऑफ पंचायत राज कह सकते हो, और सबसे पहले राजस्थान में इसका सेटअप किया गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड बैंक जो कि 1944 जुलाई वाशिंगटन DC में आप देख सकते हो सबसे पहला इसका हेडक्वार्टर्स, और USA प्रेसिडेंट आज के टाइम पे USA से बिलोंग करता है इसका जो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक डेविड मालपास। 72 ग्राम्स इज़ वाट परसेंटेज ऑफ 3.6 kg, ये आपको मैथमेटिक्स करनी है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वॉज फॉर्म्ड बाय द पैक्ट ऑफ ब्रिटेन वुड अग्रीमेंट के हिसाब से IMF को फॉर्म किया गया है, बाय द पैक्ट ऑफ ब्रिटेन वुड अग्रीमेंट। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्हीं को हम मूला शंकर पे नाम पे भी जाना जाता है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय दोस्तों। रेनहार्ड गैंजल रोजर पेनरोज एंड्रिया एम गेज वन द नोबल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स में, इनको नोबल प्राइज़ मिला है इन तीनों को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बार किसको नोबल प्राइज़ इंडियन कपल को मिला है, उस कपल का नाम क्या है, किस में मिला है। हेपेटाइटिस जो है स्प्रेड फ्रॉम द वायरस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस आपको हो जाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक पैवो क्रिस्टाटस है दोस्तों, टाइगर का पैंथर या टाइग्रिस। ई रक्षाबंधन कहाँ स्टार्ट हुआ है? सबसे पहला आंध्र प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ है। वाइटामिन फाउंड इन आंवला जो कि वाइटामिन सी होता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम पे जाना जाता है, जिस वाइटामिन सी जो है सभी साइट्रिक फ्रूट में आप देख सकते हो। पोंगल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में उगादी और संक्रांति आंध्र प्रदेश में होता है, जिस पोंगल के दिन आप लोग जल्लीकट्टू भी ऑक्स को कंट्रोल किया जाता है, जो कि बुल फाइटिंग स्पेन में आप देख सकते हो, और वहाँ पर ला टोमेटिनो भी फेस्टिवल होता है। पेसमेकर जो है हार्ट के संबंधित साइनो एट्रिवियल नोड होता है, जो कि पेसमेकर किस के आधारित पर काम करता है? बायो मेडिकल इंजीनियरिंग पे आधारित पर काम करता है, जो कि जब आपकी हार्ट में प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड जब होता नहीं है, उसको मॉनिटर करने के लिए पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द लॉर्ड डलहौसी इन द ईयर 1848 में, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाने वाला लॉर्ड डलहौसी था। महावीरा 24वां तीर्थंकरा बॉर्न इन कुंदलग्राम, जो कि वैशाली पावापुरी, जहां उनको मोक्ष मिला था। और 24वां तीर्थंकरा कौन है? महावीरा है दोस्तों, और वैशाली जहां उनका बॉर्न हुआ था कुंदलग्राम में। देयर ओन एजुकेशन बोर्ड रिसेंटली कौन सा स्टेट फॉर्म किया है? न्यू दिल्ली ने अपना खुद का बोर्ड फॉर्मुलेट किया है। G20 वर्ल्ड कप
इन द ईयर 2021 विल बी हॉस्टेड बाई इंडिया, हॉस्ट करेगा T20 वर्ल्ड कप। अब अगला हम शिफ्ट 3 का हम बाद में डिस्कस करेंगे। जितने भी सवाल हम पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट का मैक्सिमम जगह से इकट्ठा करके हम आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।